गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर लेक्चर। सो फ्रॉम स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, आई फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज आवर एक्सरसाइज। आई गिव अ प्रीव्यू। हम लोगों ने 12 ब्लैंक्स पढ़ी थी, उसके बाद हम अपना ये वाला पोर्शन करते हैं। सो वो कहता है देयर आर 5 प्रोविंसेस इन द वर्ल्ड, 5 सूबे हैं जिनका पंजाब, सिंध, केपीके बलूचिस्तान एंड गिलगित बल्तिस्तान। द प्रोविंस ऑफ सिंध इज इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान। जो प्रोविंस है सिंध वो साउथ ईस्टर्न यानी कि साउथ कहते हैं। साउथ होता है आपका, साउथ आपका जनूबी जनूब कहलाता है। ईस्टर्न यानी कि मशरकी जनूब, मशरकी हिस्से में आपके सिंध पाया जाता है। पाकिस्तान के कोयटा इज़ द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का कैपिटल कोयटा का कैपिटल बलूचिस्तान का कैपिटल कोयटा है। इन द नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान इज द प्रोविंस ऑफ पंजाब। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यानी के शुमाल मशरकी हिस्से में पंजाब पाया जाता है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा। नॉर्थ वेस्ट यानी कि शुमाल मगरबी हिस्से में पाया जाता है। द नॉर्दर्न मोस्ट प्रोविंस गिलगित बल्तिस्तान। नॉर्दर्न मोस्ट प्रोविंस गिलगित बल्तिस्तान है। ईरान लाइज़ टू द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ईरान पाकिस्तान के वेस्ट यानी कि मगरबी हिस्से में पाया जाता है। अरेबियन सी हमारे जो मगरब साउथ यानी कि जनूबी हिस्से में पाया जाता है। पाकिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्टीनेंट ऑफ एशिया। पाकिस्तान पार्ट है कॉन्टीनेंट ऑफ एशिया का। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जो दुनिया का वो एशिया है। प्रेजेंटली देयर आर 193 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विया हेल्प ऑफ बॉर्डर। ठीक है, ये हमने ब्लैंक्स रिवाइज करनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इन ब्लैंक्स में हमने प्रोविंसेस की बात की है, उनके नाम हमने याद किए हैं। 5 प्रोविंसेस हैं उनके नेम, पंजाब, सिंध, केपीके का फुल फॉर्म है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो एरिया जहाँ पर सिर्फ अभी पहाड़ी इलाके हैं, नॉर्दर्न एरियाज है। ठीक हो गया। और उसके अलावा केपीके, खैबर पख्तूनख्वा मोस्टली पठानों का इलाका है, बलूचिस्तान भी उसी से मुल्हिक का इलाका है। सिंध आपको पता है सिंधी लोग रहते हैं पंजाब में। पंजाब में बहुत ज़्यादा सोसाइटी है, पंजाबी भी हैं और बहुत सारे डिफरेंट लोग हैं। लाहौर भी हैं, हम लोग भी पंजाब में ही रहते हैं। प्रोविंस ऑफ सिंध जो है उसमें उन्होंने हमें बताया कि वो साउथ ईस्टर्न पार्ट में है। कोयटा बलूचिस्तान का कैपिटल है। आपको पता है कि पंजाब का कैपिटल क्या है? अब सब बच्चों ने मुझे पंजाब का कैपिटल बताना है, सिंध का, केपीके का, बलूचिस्तान का। ठीक है, ये आपने मुझे पता है कब बताना है? जब हमारी जूम क्लास होगी ना, मैं आप लोगों से क्वेश्चनिंग करूँगी कि आप मुझे बताएं कि सिंध, केपीके, पंजाब, बलूचिस्तान का कैपिटल क्या है। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान तो अभी न्यूली फॉर्म्ड है, तो एज सच उसका कोई इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया। और आपने मुझे ये बताना है कि पाकिस्तान का फेडरल कैपिटल कौन है, जो सारी पूरे मुल्क का फेडरल कैपिटल है। ठीक है, ये बुक आप ये वाला जो पैराग्राफ अपने पेज नंबर 2 का, इस पैराग्राफ को रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। विच कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान, आपने इसको बुक पे ही करना है कि कौन सी कंट्री शेयर करती है अपना बॉर्डर। तो हमें पता है ईरान, अफगानिस्तान, चाइना एंड इंडिया। ये वो क्वेश्चनिंग है, ये ओरल वो है जो मैंने एक तरह से एज असेसमेंट आपसे आपकी जूम क्लास में सुनने है। बट इज द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान विद इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। पाकिस्तान एशिया में कहाँ पाया जाता है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, पाकिस्तान कहाँ पे पाया जाता है, कौन से एरिया में पाया जाता है? ठीक है, तो हमें पता है कि जो पाकिस्तान है वो एशिया के साउथर्न पार्ट यानी के जनूबी हिस्से में पाया जाता है। यहाँ पे 4 कंट्रीज के नाम, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, साउथर्न पार्ट। ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ पाकिस्तान कलर द प्रोविंस, यूज डिफरेंट कलर फॉर ईच प्रोविंस एंड राइट देयर नेम। ठीक है, ये मैंने आपको टाइटल पेज बताया था, यू हैव टू ड्रॉ दिस टाइटल पेज। ओके, दिस इज द मैप। सो स्टूडेंट्स, यू हैव एन आइडिया दैट ये मैप है। आपने इस मैप को एज अ टाइटल पेज अपनी ड्रॉ करना है नीट कॉपीज पे। ठीक है, और उसको कलर्सफुल बनाना है, बहुत प्यारा मार्कर से ड्रॉ करना है। ठीक है, इसको ड्रॉ करने के बाद आपने अपने रेलिवेंट टीचर्स को पिक्चर्स सेंड करनी है। पहले मैंने आपसे ये वाला बनवाया था, फर्स्ट पे, सेकेंड पेज पे आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि आपने इसको आउटलाइन बनाना है, उस पर कॉन्टिनेंट्स जो सॉरी प्रोविंस और उनके कैपिटल्स को भी हाईलाइट कर दें। लुक एट द वर्ल्ड मैप इन एन एटलस, चूज एनी 10 कंट्रीज एंड लिस्ट देयर डिटेल एज फॉलोज। अब एटलस आपको पता है एक तरह से मैप होता है,
वो कह रहे हैं उसमें आपने कोई भी 10 countries लिखनी है, उनके नेम लिखने हैं और उनका उस कंट्री का नेम, उसका कैपिटल और उसका कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये आपका एक सर्चिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, आपने 10 countries के नाम लिखने हैं, देन आपने उनकी कैपिटल सिटीज़ लिखनी है, फिर कॉन्टिनेंट, जैसे कि कॉन्टिनेंट एशिया में जो है हमारा पाकिस्तान आता है, ठीक है, और उसका कैपिटल सिटी क्या है, इस्लामाबाद है। ठीक है, चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना भी कॉन्टिनेंट एशिया में आता है और उसकी वो जो कैपिटल सिटी है वो बीजिंग है। इस तरह, ठीक है, आप लोगों ने अमेरिका है उसकी वो अमेरिका जो हमारे कॉन्टिनेंट यूरोप में आता है और उसकी जो कैपिटल सिटी है वो वाशिंगटन है। तो ठीक है, आप लोगों ने इस तरह इनको डिफरेंट को सर्च करना है, उनके कॉन्टिनेंट्स और उनके नेम्स भी लिखने हैं।